हरि ओम। भगवान जी ने आज मुझे जो समझाया है, देखा है, आज के हालात के बाद बुजुर्गों की क्या हालत है और बुजुर्ग गुरु करने के बाद हम मोह की किस्में होते हैं कि हमारे प्राण वापस आ जाते हैं और आज का जो संसार बना है भगवान जी के जाने के बाद शरीर से, उसमें भगवान तो अपने भगत को हर परीक्षा के लिए तैयार करके फिर परीक्षा लेता है। ये आपको पता है, जैसे चार अग्नियां हैं तो भगवान पहले देखता है ये बच्चा इस काबिल है या नहीं। जो मैंने मेरे साथ गुजरा है वो ऐसा था और परीक्षा में पास भी हुए थे, बड़ी बड़ी परीक्षा हुई थी, शायद बताया भी था जब मैंने अपने बारे में बताया था। शरीर कैसे बेवफा और बेबका है ये दिखाता है कि इसमें आत्मा कैसे प्यारा और निराला का निश्चय कराता है। भगत जो होता है वो हर पल हर क्षण पानी भी पी रहा है तो शुक्र है भगवान तेरा, वो ऐसे रहता है। शरीर का कोई अंग भंग भी हो तो शुक्राना मानेगा कि आंखें तो है, हाथ तो है, मनुष्य का जन्म तो है, उसकी बीमारी सबको सबक देती है। इसमें क्या हुआ, छोटी सी सामने लाइव कहानी है, कहानी भी नहीं है लाइव, ये पता है मुझे, जो किसी ने मुझे बताया था कि एक कैसे बड़ी औरत जो बिल्कुल दुनिया से जाने वाली थी, मौत को भी जीता कैसे मोह के कारण। कुछ दिन पहले किसी एक लड़के को फोन आया उसकी गर्लफ्रेंड का, पूछा तुम्हारे घर का डस्टबिन है, फिर मैं नहीं आऊंगी। लड़के ने पूछा इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग था कि तुम्हारे घर में बुजुर्ग है, ये टुडेज गर्ल, मॉडर्न गर्ल, जिसके कारण ओमिक्रॉन वायरस 1 COVID-19 सब आ रहे हैं ना, जब ये मॉडर्नाइज्ड बन गए हैं, बोल से वर्ल्ड इज चेंज, तो ये वाले लोग होने के कारण ये वायरस कहां से जाएंगे। उस लड़के ने कहा मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा, उसने इनकार कर दिया, अगर शादी नहीं हुई तो मेरे दादा दादी माँ बाप को डस्टबिन बोल रही है तो शादी के बाद क्या होगा, तो उसने रिफ्यूज कर दिया। तो हुआ क्या था, उनके घर की दादी जो थी वो काफी देर से परेशान थी, बीमार थी, नर्स दो नर्स रखी हुई थी, अटेंडेंट थी उधर, समझना ध्यान से, मैं ज्ञान से ही बताती हूँ, ऐसे स्टोरीज नहीं बताती हूँ कुछ भी। डॉक्टरों ने ये भी कह दिया था कि परिवार को बुला लो, अभी इनका टाइम हो चुका है, उसने तो बुढ़िया करके कहा कि बुढ़िया जी का टाइम हो चुका है, सबको इकट्ठा कर लो। इतनी देर में लॉकडाउन हो चुका था, बच्चे हॉस्टल से आ चुके थे, अपना जो बेटा बहू था वो उनके पास नहीं थे, उनके पास खाली दो नर्सें थी अटेंडेंट। अभी ये बच्चे हॉस्टल से दोनों पोते पोती उसके घर आए, वो इनके पास रह रहे, माँ बाप अलग रह रहे हैं, कहीं दूर ट्रांसफर होगा, बच्चे हॉस्टल में थे। एक दिन बच्चे लॉकडाउन में जब घर आ गए तो दादी से चिपके खुशी हुई, क्योंकि माँ बाप की तरफ से उनको कभी कोई प्यार नहीं मिला था, उनके हाथों का खाना नहीं मिला था, तो उन्होंने दादी को बोला कि दादी माँ आप तो पहले खाना वाना बनाते थे, अभी भी बना दो ना, तो मोह होता है। तो दादी खुश हो गई, बड़ी समझने वाली वाणी है, एक चीज इसमें नहीं है, काफी चीजें कवर अप होंगी, पुराने पहले टाइम पे क्या था, अभी क्या था, लोग बुजुर्गों की क्या हालत थी। तो वो उठ के किचन में गई, नर्स ने तो डांटा, बच्चों को डांटा, ये क्या कर रहे हो, दादी ऑलमोस्ट डेथ बेड पर थी, किचन में बैठकर धीरे धीरे जैसे भी करके उसने बच्चों के लिए खाना बनाया। सोचो ये अंदर की हालत हमारे होते हैं, यहाँ पे दवाई काम नहीं करती,
अपने वालों से चोटें लगी होती हैं, अकेलापन होता है, तो हमारा जीवन ऐसा बनता है। ये अभी के समय की कहानी बता रही हूँ आपको, ये लाइव किसी के इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने सुनाया था। उन बच्चों के माँ बाप के पास, दादी के बेटा बहू के पास समय नहीं था उनके साथ खाना खा सके, और ये बच्चे हॉस्टल में थे, उनके बच्चों के पास टाइम ही नहीं था बच्चों के लिए। नर्स ने हैरान हो गई, जो उसकी दवाई काम नहीं कर रही थी, जबरदस्त कमाल हो गया, डॉक्टर बोल रहे हैं कि परिवार को बुला लो। अगर सारे आप सुन रहे हो जिनके बहु बेटे भी हैं और भगवान जी का ज्ञान समझा हुआ है, बुजुर्गों के लिए भगवान जी बोलते थे उनको सारी दालें मिक्स करके दे दो ताकि उनका मन लगा रहे, ऐसा बुजुर्गों के लिए बताया है ना उन्होंने, तो देखो, नहीं तो मोह वाला कोई होना चाहिए, जहां सत्संगी कोई हो तभी कोई बच सकता है ना। मोह भी किसका, बेटे का, बेटे अपने बेटे का नहीं, बेटे के बेटों का था, पोते थे, उसने कितनी खुशी से खाना बनाया। तो इससे पता चलता है कि पहले बुजुर्ग कितना लंबा जीते थे, कैसे बुजुर्ग लोगों को पहले लोग कितना मान सम्मान से रखते थे, कैसे समय बीतता था, और बुजुर्ग लोग चाहे गुरु नहीं है कोई, भगवान जी दादा भगवान नहीं मिले हुए थे, तो भी वो लोग गोल नहीं पता था उनको, लेकिन खेतों में काम करने जाते थे, मसाले कूटते थे, वो लोग जब रिटायरमेंट भी हो गई है काम में बिजी रहते थे, भगवान जी बोलते ना दाले वाले इकट्ठी करके दे दो बुजुर्गों को, उनको खुश रहे, बहुओं को बोलते थे कब तक है उनका टाइम, कर लो सेवा, ले लो दुआएं उनसे, परिवार में प्रेम होता था, परिवार टूटते गए पता ही नहीं चला, अलग अलग मकान बनते गए, बच्चे डे केयर में रहने लगे, डे केयर सेंटर में पलते हैं, नानी दादा नहीं नैनियां होती हैं उनको पालने वाली, वो संस्कार जाते हैं उनके, वो दे आर नॉट यूज्ड टू विद ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये चीजें देख के कितना हैरानगी लगती है कि अभी क्या हो गया, उसको हमारे गुरु नहीं हो तो कैसे वो टाइम बीते। वो जो नर्स काम कर रही थी उनके पास, वो हैरान थी कि दवाई नहीं, अपने वाले लोग चाहिए इन बुजुर्गों को जो वृद्ध आश्रमों में बैठे हैं, उनके क्या हाल हो रहे हैं, उधर मोह जाएगा नहीं क्योंकि हमारे भगवान जी उनको नहीं मिले थे, सोचेंगे नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, और उसी में बीमारी लगा लेंगे, फिर उनके घर आके पैदा हो जाएंगे, ये कितनी बड़ी बात है इस चीज की। बुजुर्गों को प्रेम मान सम्मान चाहिए, ना कि उनको डॉक्टर्स और अटेंडेंट और दवाइयां और नर्सिस चाहिए। नहीं तो आजकल की लेडी, जिस लड़की ने, गर्लफ्रेंड ने बोला डस्टबिन बना लेंगे, डस्टबिन समझते हैं, बर्डन समझते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी को समझते नहीं है कि हमारे साथ भी ऐसा होगा, उनको दवा नहीं अपने मान सम्मान चाहिए। एक बार कहीं क्या था, वेरी एजुकेटेड बेटा और बहू, और मदर कब से वो बीमार थी, बेड रिडन थी, एक दिन बेटे को उसने बोला, बेटा मुझे अकेला लगता है, रहा नहीं जाता, तुम मुझे कहीं वृद्ध आश्रम में जा कहीं छोड़ दो। तो सी कितनी हैरानगी वाली बात है, वो कितने अच्छे कर्म वाली लेडी होगी, सास जो थी, माँ थी उनकी। तो बहू ने क्या करा, बेटे ने तो तैयारी कर ली, ठीक है मम्मी का मन लगा रहेगा, हम दोनों वर्किंग हैं। बहू ने वेल एजुकेटेड, कोई डायरेक्टर क्या थी कंपनी की, वो बाहर से सिर्फ अपने घर में ही सुन लिया उसने। तो वो बेटे का रिएक्शन देख रही थी कि बेटा तैयार हो गया है, क्योंकि माँ के साथ प्यार है, वो अकेली है, चलो उसका मन लगा रहेगा। सुनना हैरान ध्यान से कि ऐसी बहुएं भी अभी हैं। उस बहू ने क्या बोला बेटे को कि मैं कल से रिजाइन कर रही हूँ। बेटा हैरान हो गया,
इतना प्यार उसको करा उसने कि तू पहले सिर्फ मेरी पत्नी थी, अभी तो तू मेरे लिए भगवान है, जो मेरी माँ के लिए ऐसा सोच रही है जो सोच भी नहीं सकता था। उसने बोला मैं रिजाइन कर रही हूँ, मैं मम्मी जी का पूरा ध्यान करूंगी, उनको हम इधर कहीं भी नहीं भेजेंगे। सोचो, रोंगटे खड़े हो जाए ना कि आज के समय की बात है, ये पुरानी नहीं है। कितने जनों के साथ हमारी बात होती है, किसी से कुछ पता चलता है तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ कि देखो ऐसे भी लोग हैं। अभी कितनी दुआएं ले गई वो, बेटी हो बात अलग है, बेटी ऐसा बोले नहीं करे, वो बेटी को तो माँ के लिए बहू का होना कितनी बड़ी बात है, कितने उसके ही अपने कर्म धुल गए ऐसा सोच करने से कि इतना भारी जॉब, छोटा मोटा भी, कोई टीचर नहीं थी, कोई ट्यूशन नहीं ले रही थी, शी वॉज वर्किंग ए वेरी गुड एग्जीक्यूटिव जॉब था कोई, एंड डिन बॉदर फॉर द सैलरी फॉर एनीथिंग, एंड शी डिड लाइक दिस। है ना कितना प्यारा। जो भी सुन रहे हो प्यारे बच्चों, कोरोना सारे तभी भागेंगे जब हमारे दिलों में ऐसी भावना होगी, प्यार होगा। एक बात समझना, मत समझना मैं मोह की बात या दया की बात कर रही हूँ, मैं भगवान जी के, दादा भगवान के उस ज्ञान से बात कर रही हूँ कि मेरा निश्चय तो है कि मेरे को इस दुनिया में दोबारा नहीं आना, मेरे दादा भगवान जहाज लेके आए हैं, मैं उसी में रहूंगी चाहे ब्रह्म लोक में। लेकिन जब तक मैं धरती पे हूँ और मैं जितना जितना पुराना हो रही हूँ भगवान जी के ज्ञान से मैं कैच कर रही हूँ, तब तक तो हम दूसरों को जान देना। जैसे कृष्ण का शरीर जलने के बाद भी दिल नहीं जला था, हार्ट नहीं जला था, वो जगन्नाथ पुरी में है, हम क्यों नहीं ऐसा बन सकते प्यारे बच्चों। दुआएं ही तो मिलेंगी ना, है ना। आशीर्वाद दुआ के पाजा, मेरे गुरु की शरण में आ जा, प्यारा प्यारा है दरबार, मिलता यहाँ सच्चा प्यार, आशीर्वाद तू आके पा जा।